नमस्कार दोस्तों, आप सबका स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल पीसीएस एनपी टेक में। दोस्तों, आज हम बात करेंगे पीसीएस एनपी रिटेल सॉफ्टवेयर के बारे में कि आप पीसीएस एनपी रिटेल सॉफ्टवेयर में कैसे इन्वेंट्री को ट्रैक या नॉन ट्रैक कर सकते हैं। यानी कि जैसे आप मान लो किसी आइटम का इन्वेंट्री ट्रैक करना चाहते हो कि हम उसे सेल्स करें, तो वो जो आइटम सेल हुए हैं उसमें से माइनस हो जाए तो हमें ये पता चल जाए कि कितनी इन्वेंट्री, मतलब कितना आइटम हमारा स्टॉक में अवेलेबल है। और कुछ ऐसे आइटम जिनको आप चाहते हो कि सेल्स होने के बाद भी हम उसका जो स्टॉक है उससे आपको कोई मतलब नहीं है कि आप उसकी इन्वेंट्री ट्रैक ही नहीं करना चाहते, तो वो कैसे करेंगे पीसीएस एनपी रिटेल सॉफ्टवेयर में। तो चलिए आइए देखते हैं। हमने ये सॉफ्टवेयर लॉगिन कर लिया। वेरी सिंपल है, बहुत आसान तरीके से आप इसे यूज़ कर सकते हैं। तो सबसे पहले आपने आइटम मास्टर ओपन करना है, ठीक है। जैसे कि कंट्रोल एन के साथ आइटम मास्टर ओपन हो जाता है। अब मैं चाहता हूँ किसी एक आइटम की इन्वेंट्री ट्रैक ना हो और सबकी हो, तो जिस आइटम की इन्वेंट्री ट्रैक नहीं करनी है यहाँ पे ऑप्शन दे रखा है ट्रैक इन्वेंट्री। अगर हम इसे टिक कर देंगे तो इन्वेंट्री ट्रैक होगी, यानी कि सेल्स जब करेंगे तो स्टॉक माइनस होगा। लेकिन अगर आप स्टॉक मेंटेन करना नहीं चाहते हैं, यानी चाहते हैं कि वो स्टॉक अगर ओपनिंग बैलेंस जीरो है तो वो हमेशा जीरो ही दिखाए, यानी कि सेल होता रहे लेकिन उसकी इन्वेंट्री माइनस या प्लस नहीं हो, तो वो आप इस तरह से यहाँ पे आसान तरीके से कर पाएंगे। अगर आपको किसी आइटम की रैक लोकेशन लगानी है कि भाई वो किस लोकेशन पे लगा है या किस रैक पे है, जिससे आप इजली पता कर सकें, तो वो भी यहाँ पे रैक लोकेशन का ऑप्शन अवेलेबल है। तो सबसे पहले देखते हैं ट्रैक इन्वेंट्री के बारे में कि कैसे वो काम करता है। जैसे मैं एक आइटम कोड देता हूँ, मैगी नूडल, ठीक है। अब ये मैगी नूडल मैंने लिया, अभी यहाँ पे मैं इसे ट्रैक इन्वेंट्री करता हूँ। तो जैसे ही मैं इसे ट्रैक इन्वेंट्री करके इसे सेव करूँगा, ठीक है। आप हम जब सेल का फॉर्म ओपन करेंगे, जब हम इस आइटम को सेल करेंगे तो देख पा रहे होंगे आप अभी स्टॉक में -5 शो कर रहा है। अभी स्टॉक में -5 शो कर रहा है। जैसे ही मैं इसे, मान लीजिए मैंने यहाँ पे 4 क्वांटिटीज सोल्ड आउट कर दी, ठीक, F10, ठीक है। अब हम अगर देखेंगे तो 4 क्वांटिटी सोल्ड आउट होने पे -9 हो गया, यानी कि स्टॉक -9 चल रहा है, यानी कि उसने स्टॉक को लेस कर दिया है। लेकिन अगर आप चाहते हैं वो लेस ना हो, सेम एज इट इज स्टैटिक रहे हमेशा, तो उसके लिए सिंपली आपने जो आइटम कोड था वहां पे ट्रैक इन्वेंटरी को अनचेक करना है और सेव कर देंगे। सेव करने के बाद अब हम दोबारा सोल्ड आउट करते हैं। जैसे अभी देखिए स्टॉक यहाँ पे -9 दिखा रहा है, ठीक है। अब मान लीजिए मैं यहाँ पे 14 क्वांटिटी सोल्ड आउट करता हूँ और F10 प्रेस किया और कैंसिल। अब हम देखेंगे तो देखिए वो स्टैटिकली जो लास्ट टाइम -9 दिखा रहा था वही शो कर रहा है, यानी कि उसकी इन्वेंट्री में कोई प्लस या माइनस नहीं हुआ है। तो इस तरह से आप अगर चाहें तो किसी भी आइटम का इन्वेंट्री ट्रैक नहीं करना चाहते तो आप उसे अनचेक कर देंगे और सेव कर देंगे, तो उससे उस आइटम की इन्वेंट्री ट्रैक नहीं होगी और जिन आइटम्स की आपको इन्वेंट्री ट्रैक करनी है वहाँ पे चेक करके सेव कर देंगे। तो इस तरह से बहुत आसान तरीके से आप इन्वेंट्री को ट्रैक कर पाएंगे। उसी तरह से अगर आपको इमेज लगानी है आइटम में तो इमेज भी आप लगा सकते हैं। यहाँ पे जाएंगे, प्रोडक्ट इमेज पे क्लिक करेंगे। जैसे ये मैगी है, मैगी नूडल, तो हम इसमें कोई भी अभी इमेज ऐसे लगा दे रहे हैं और सेव कर देंगे। तो इस तरह से इस प्रोडक्ट पे इमेज भी लग जाएगी। जब आप आइटम सोल्ड आउट करेंगे तो जैसे ही आप आइटम का नाम या बारकोड या कोड जो SKU है, आइटम कोड है, उसे सर्च करेंगे तो आपको जहां से सेल कर रहे हैं या परचेज कर रहे हैं या बिल मॉडिफाई कर रहे हैं, उन सब फॉर्म्स पे आपको उस आइटम की इमेज शो होने लगी। देखिए जैसे मैंने 119 प्रेस किया, आइटम की इमेज शो हो गई। तो इस तरह से आप इजिली ये ट्रैक कर पाएंगे कि हाँ मैं सही आइटम को सोल्ड आउट कर रहा हूँ या नहीं कर रहा हूँ इमेजेस लगा के। और एक बहुत ही ब्यूटीफुल फीचर होता है
देखने में अच्छा लगता है कि हाँ एक इमेज दिख रही है, ऑपरेटर को बहुत इजीली रिकॉग्नाइज कर लेता है कि हाँ मैं वही प्रोडक्ट बेच रहा हूँ। तो इस तरह से बहुत ही अच्छे अच्छे फीचर्स जो हैं PCSNP रिटेल एप्लीकेशन में दिए गए हैं। आई होप आपको ये वीडियो बहुत अच्छी लगी होगी। तो अगर आपको वीडियो पसंद आए, आपको ये PCSNP रिटेल के फीचर्स अच्छे लगे, तो आप कमेंट, लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।